हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर पूर्वा साहू। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम में हम लोग नंबर ऑफ फाइलम पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोगों को सबसे पहले फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था स्टूडेंट, दैट वॉज गिवन बाई दी आर एच विटकर इन 1969। पर्टिकुलर ईयर है 1969, दैट वॉज गिवन इन NCERT। तो दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय आर एच विटकर। सो ही टोल्ड अबाउट द फाइव किंगडम। वन वॉज अ मोनेरा, सेकेंड वॉज द प्रोटिस्टा, थर्ड वॉज द फंजाई, देन द प्लांटे एंड देन द एनिमेलिया। ओके, सो दे वर फाइव किंगडम बेसिकली, मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड द एनिमेलिया। द क्राइटेरिया विच ही यूज फॉर दिस फाइव किंगडम, द फर्स्ट इज अ सेल स्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वेदर दे आर सेलुलर और इफ दे आर सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देन अबव इफ विल गो देन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन लाइक द टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। नाउ द नेक्स्ट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, types of nutrition, autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition I will discuss in this video. Now the reproduction, types of reproduction, whether they do like asexual reproduction or sexual reproduction, they produce the progeny by asexual method or by the sexual method. And as we all know, जितने भी simple organisms होते हैं वो generally asexual method के through ही reproduction करते हैं। The next is a phylogenetic relationship. The phylogenetic relationship basically based on the evolutionary relationship. ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने जैसे पाइसिस पढ़ी, एम्फीबियन पढ़े, रेप्टीलिया पढ़े, एप्स पढ़े और मैमल्स पढ़े। लोअर क्लासेस में तो हम लोग पढ़ते ही हैं, अपर क्लासेस में भी आप लोग पढ़ोगे। जो एनिमल किंगडम है हम लोग उसमें डिटेल में करेंगे। तो एम्फीबियंस है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हुए हैं पाइसिस से, रेप्टीलिया जो है वो इवॉल्व हो गए आपके एम्फीबियन से, और रेप्टीलिया से ही जो एक ग्रुप था उसने एप्स बनाया था और जो दूसरा ग्रुप था उन्होंने बनाए थे मैमल्स। ठीक है, तो इस तरह से कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, तो उसी रिलेशनशिप को हम लोग स्टडी करते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में। ओके, नाउ वी विल स्टडी दीज क्राइटेरिया वन बाय वन इन डिटेल। द वन इज सेल टाइप, द सेकेंड इज सेल वॉल, थर्ड इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ वन इज अ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड द फिफ्थ वन इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो आई विल डिस्कस ईच ऑफ देम वन बाय वन इन डिटेल। ओके, द लास्ट किंगडम इज अ एनिमेलिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दिस सेल टाइप। ओके स्टूडेंट, तो सेल टाइप में स्टूडेंट क्या है कि हम लोग जब स्टडी करते हैं, जब मतलब स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को किस बेस पे डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले जो डिवीजन हुआ वो बेसिकली हुआ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे। तो डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस कैसे हुआ स्टूडेंट, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म को तो हम लोग ग्रुप में रखते हैं प्रोकैरियोटिक ग्रुप में, और कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोग रखते हैं यूकैरियोटिक ग्रुप में। तो यू जो वर्ड है बच्चों, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियन जो वर्ड है इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया, ट्रू न्यूक्लियस का मतलब हो गया पूरी तरह से जो न्यूक्लियस की जितनी भी स्ट्रक्चर होती है वो सब उसमें प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन हो गई जो कि डबल लेयर्ड होती है इस तरह से, बीच में न्यूक्लियर पोर हो गए, यहाँ ये न्यूक्लियोलस होता है, और फिर यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से जिन ऑर्गेनिज्म में इस तरह से पूरी डेवलप्ड न्यूक्लियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दे विल कम इनटू द यूकैरियोटिक ग्रुप। ठीक है, जिनमें इस तरह से न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, जबकि एक अनडिफाइंड रीजन से प्रेजेंट होता है, जैसे मैं एक बना रही हूँ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में क्या होता है इस तरह से जेनेटिक मटीरियल कहीं रखा रहता है। तो ये जो जेनेटिक मटीरियल है वो एक डिफाइंड रीजन में रखा हुआ है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस नहीं कह सकते, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों न्यूक्लियोइड।
तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ये न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता है, उनमें बेसिकली अनडिफाइंड रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोइड। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं डिस्कस करती हूँ प्रोकैरियोट्स के बारे में, तो प्रोकैरियोट्स में बच्चों जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली जैसे हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। तो प्रोकैरियोट्स के फीचर क्या क्या हो गए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डिस्कस करते हैं तो अनडिफाइंड रीजन प्रेजेंट होता है उनके अंदर जिसको कि हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने स्टडी कर ली सेल टाइप की, अब हम लोग किंगडम देखते हैं कि कौन से किंगडम में प्रोकैरियोट मतलब न्यूक्लियस डेवलप नहीं था, और कौन से ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस वेल डेवलप था। ठीक है, कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आएंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकैरियोटिक ग्रुप में आएंगे, वी विल स्टडी। सो नाउ कमिंग टू दीज फाइव किंगडम, तो सबसे पहला है मोनेरा। तो मोनेरा का जो सेल टाइप होता है स्टूडेंट वो प्रोकैरियोटिक होता है, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। बाकी चारों जो किंगडम है, प्रोटिस्टा, फंजाय, प्लांटे, एनिमेलिया, ये सब आपके आते हैं यूकैरियोट्स में। ठीक है, दे ऑल बिलोंग टू यूकैरियोट्स। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट फीचर जो है वो क्लियर हो गया है, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया मोनेरा को बाकी सबसे न्यूक्लियस डेवलपमेंट के बेस पे। ठीक, अब हम लोग थर्ड फीचर ले लेते हैं, क्योंकि थर्ड फीचर कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है। आप देखिए डायग्राम के अंदर, यहाँ ये प्रॉपर न्यूक्लियर मैम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज अ न्यूक्लियर मैम्ब्रेन, ये डबल लेयर्ड होती है, दैट्स वाई आई मेड लाइक दिस न्यूक्लियर मैम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन बच्चों देखें आप सिर्फ यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई जो भी ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स होंगे उनमें ये न्यूक्लियर मैम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो वी विल राइट हेयर सेम थिंग, द न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा ग्रुप, इट इज प्रेजेंट इन फंजाय, इट इज प्रेजेंट इन प्लांटे, इट इज प्रेजेंट ऑल्सो इन एनीमेलिया, बट इट इज एबसेंट, इट इज एबसेंट वेयर, इट इज एबसेंट इन अ मोनेरा ग्रुप। ठीक है, आगे होगी आपको बात समझ में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल बच्चों आप लोगों को पता होगा, जैसे अगर मैं प्लांट सेल बनाती हूँ, सपोज करो ये प्लांट सेल मैंने बनाई, एक सिंपल सी मैं प्लांट सेल बनाती हूँ, इस प्लांट सेल के चारों तरफ इस तरह से ये सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है जो कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अंदर के साइड में सेल मेम्ब्रेन होती है, ये प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तो एनिमेलिया किंगडम के अंदर तो होगी ही नहीं, प्लांट्स के अंदर होगी। बाकी तीनों की हम लोग बात करते हैं कि फंजाई में है, प्रोटिस्टा में है या मोनेरा में है। तो मोनेरा में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट वो किससे बनी होती है, वो बनी होती है दैट इज मेड अप ऑफ व्हाट, दैट इज मेड अप ऑफ दी पॉलीसेकेराइड्स एंड अमीनो एसिड। ठीक है, तो अमीनो एसिड स्टूडेंट्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड अगर आपने सुना होगा तो अमीनो एसिड बेसिकली मोनोमर होते हैं, मोनोमर ऑफ व्हाट, मोनोमर ऑफ दी प्रोटीन। बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन पॉलीमर हो गया और इसका मोनोमर यानी सिंगल यूनिट हो गई अमीनो एसिड। इसको इस तरह समझ सकते हो, ये सिंगल 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 यूनिट हो गई और ये आपस में एक दूसरे से मिलके एक कॉम्प्लेक्स यूनिट बना देती है, दैट इज व्हाट, दैट इज प्रोटीन। ठीक है, तो इनमें सेल वॉल जो बनी होती है प्रेजेंट होती है, और बनी होती है किसकी, पॉलीसेक्राइड एंड अमीनो एसिड की मोनेरा में। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा में, तो प्रोटिस्टा में कुछ में तो प्रेजेंट होती है और कुछ में क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इन सम इट इज प्रेजेंट एंड इन सम इट इज एब्सेंट। सम ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू प्रोटिस्टा ग्रुप विल हैव सेल वॉल एंड सम ऑर्गेनिज्म विल नॉट हैव,
है ना। तो ये कैसे हुआ, ऐसा कैसे होता है, क्योंकि प्रोटिस्टा ग्रुप जब हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी पढ़ते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म को यहाँ जो अब हम लोग प्रोटिस्टा ग्रुप में पढ़ते हैं उनको पहले प्लांट में रखा गया था, इसी तरह कुछ को एनिमल में रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था। कौन कौन से थे, जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, इनको रखा गया था एनिमल किंगडम में, ठीक है, बिकॉज ये हेटरोट्रॉफ थे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उनका हेटरोट्रॉफ था। और दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे मैं बताऊं क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, दूसरा क्लोरेला, तो क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास जो थे बच्चों, इनको रखा गया था प्लांट के साथ में, यानी एल्गी के साथ में, क्योंकि ये जो थे वो थे आपके फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो जाहिर सी बात है जिनमें प्लांट का फीचर होगा उनमें बेसिकली सेल वॉल जो होगी स्टूडेंट वो प्रेजेंट होगी, और जिनमें प्लांट का फीचर नहीं होगा उनमें सेल वॉल क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ये आ गया आपको, आपको समझ में। तो ये हो गए हमारे प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स, अमीबा पैरामीशियम होंगे या फिर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला। तो क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है और अमीबा पैरामीशियम में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम लोग दोनों पॉइंट्स ही लिखते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर कि सेल वॉल कैन बी प्रेजेंट और एब्सेंट। फंजाई जो है, फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और सेल वॉल जो बनी होती है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की बनी होती है, कई बार क्वेश्चन भी आता है इसका, जिसका नाम होता है काइटिन, CHITIN, काइटिन से ये बनी होती है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। नाउ बात करते हैं प्लांटे की। तो प्लांटे में, प्लांट आपको बता ही दिया मैंने कि प्लांट में तो सेल वॉल प्रेजेंट है ही, तो ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है सेल्यूलोज से। और एनिमल में सेल वॉल जो होगी वो एब्सेंट होगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपका सिर्फ एक किंगडम हो गया जिसके के अंदर सेल वॉल एब्सेंट है, बाकी सभी में कहीं ना कहीं सेल वॉल प्रेजेंट है। तो इस किंगडम में, एनिमिलिया किंगडम में कंप्लीटली सेल वॉल जो होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, या फिर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी। तो प्रोकैरियोट्स है, प्री, प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, सबसे पहले आने वाले, तो सबसे पहले आएंगे जो जाहिर सी बात है सिंपल होंगे। तो इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट वो है यूनिसेलुलर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूकैरियोट्स वाले की, यानी प्रोटिस्टा ग्रुप की। तो प्रोटिस्टा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो है मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट है, ये हो गए। तो यानी ये होते हैं यूकैरियोट्स मल्टी सेलुलर, और जबकि मोनेरा ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। फंजाई जो होती है, अगर हम लोग इसको कंबाइंडली बोलते हैं, मतलब जनरली अगर हम लोग बोलते हैं, तो फंजाई मल्टी सेलुलर होती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ फंगस ऐसी भी है जो कि यूनिसेलुलर होती है, जैसे ईस्ट। ईस्ट जो होती है स्टूडेंट वो आपके होती है यूनिसेलुलर। अब हम लोग बात करते हैं प्लांटे के। तो प्लांटे में डेवलप ज्यादा हो गया, डेवलपमेंट ज्यादा हो गया, तो इनमें जो मिलेगा आपको ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का मिलता है या फिर ऑर्गन लेवल का मिलता है। और एनिमेलिया में आ जाए, तो एनिमेलिया में और ज्यादा डेवलपमेंट हो गया, तो टिश्यू लेवल भी होगा, ऑर्गन लेवल भी मिल सकता है, और ज्यादा डेवलप ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये फोर पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है स्टूडेंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका बेसिकली होता है टू टाइप्स का, वन इज अ ऑटोट्रॉफिक, अनदर वन इज अ हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है स्टूडेंट, उसमें खाना खुद बनाते हैं, अपने आप खुद खाना बनाते हैं, और जो हेटरोट्रॉफ होता है उसमें बेसिकली दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली बताना चाहूँ कि प्लांटे के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो जितने भी जनरली बता रही हूँ मैं आपको कि जनरली जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि कसकूटा, आप लोगों ने नाम सुना होगा,
कस्कूटा अमरबेल जिसको कहते हैं, वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है, यानी वो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। बट जनरली अगर हम लोग बात करें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्लांट में, तो वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसी तरह से हम लोग एनिमल में बात करें तो एनिमल्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, यानी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं। और हेटरोट्रॉफ्स में तीन टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, तीन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला हो गया आपका होलोजॉइक, दूसरा हो गया आपका पैरासिटिक, और तीसरा हो गया आपका सेप्रोफाइटिक। ये तीनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं एनिमल्स। यानी कुछ जो होंगे होलोजॉइक, होलोजॉइक का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को लेना, उसको इंजेस्ट करना, उसको डाइजेस्ट करना, एब्जॉर्ब करना, एसिमिलेट करना, और जो भी बचा हुआ मटेरियल है उसको बाहर निकाल देना। पैरासाइट में कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेबल है। सेप्रोफाइट्स में डेड एंड डीके मटेरियल पे डिपेंडेबल है। तो फंजाई जो होती है वो आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती है, और वो सिर्फ शो करती है पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक। तो फंजाई में हम लोग लिख लेते हैं हेटरोट्रॉप्स, दे आर हेटरोट्रॉप्स एंड दे विल शो टू टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वन इज अ पैरासिटिक एंड द सेकेंड वन इज अ सेप्रोफाइटिक। कई बार आपने देखा होगा कि अचार होता है या घरों में जैसे ब्रेड होती है, उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर की एक अलग सी स्ट्रक्चर सी आ जाती है ना, ये फफूंद जो घर में कहते हैं, घर में कहते हैं फफूंद आ गई। तो वो फफूंद क्या है? बेसिकली वो है फंगस, क्योंकि वो जो ब्रेड है वो खराब हो चुकी है, वो पूरी तरह से डिके हो चुकी है। तो डेड एंड डिके मटेरियल पे जो डिपेंडेबल होते हैं बेसिकली दे आर हेटरोट्रॉप्स, एंड हेटरोट्रॉप्स में भी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, दे आर सेप्रोफाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रोटिस्टा ग्रुप की। तो प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोटिस्टा ग्रुप के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी आते हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं लाइक प्लांट, और कुछ ऐसे आते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं लाइक एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें दोनों ही टाइप का आपको न्यूट्रिशन देखने को मिलता है, ऑटोट्रॉफिक एंड ऑल्सो हेटरोट्रॉफिक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हमारे मोनेरा ग्रुप की। तो मोनेरा ग्रुप के अंदर हम लोग जनरली बैक्टीरिया पढ़ते हैं, और बैक्टीरिया स्टूडेंट्स दोनों टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है, यानी ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक में स्टूडेंट दो टाइप्स के हम लोगों को बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एक होते हैं आपके फोटोसिंथेटिक, और दूसरे होते हैं आपके कीमोसिंथेटिक। तो फोटोसिंथेटिक जो होंगे वो बेसिकली सनलाइट का यूज करेंगे, सनलाइट एनर्जी का यूज करेंगे टू परफॉर्म द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जबकि कीमोसिंथेटिक जो होंगे वो आपके कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, इनका यूज करेंगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और उस प्रोड्यूस एनर्जी का यूज करेंगे ये लोग बेसिकली एटीपी प्रोडक्शन में। दे विल यूज दैट एनर्जी इन द एटीपी प्रोडक्शन। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं मेनली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करते हैं, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज होता है एटीपी प्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया होते हैं दे विल ऑल्सो शो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये शो करते हैं सेप्रोफाइटिक नेचर, सेप्रोफाइटिक जो भी सड़ी गली चीज होती है उसके ऊपर ये डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा पैरासिटिक भी ये कुछ होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स भी हो गए आपके, पैरासिटिक भी हो गए। ये हो गया हमारा इससे रिलेटेड मोड ऑफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड। देखिए दोबारा देख लेते हैं, सबसे पहले जो किंगडम है जिसकी हम लोगों ने बात की मोनेरा, जो कि सबसे फर्स्ट किंगडम है यानी सबसे लेस डेवलप्ड किंगडम हो गया। तो इसके अंदर जो सेल टाइप है वो प्रोकैरियोट है, जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, एक अनडिफाइंड रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा जितने भी किंगडम है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया, वो चारों के चारों यूकैरियोट्स होते हैं, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। सेल वॉल की हम लोग बात करें
तो मोनेरा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल वॉल पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड की बनी होती है। अमीनो एसिड बेसिकली क्या है, अमीनो एसिड एक मोनोमर है जिससे कि प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें न्यूक्लियर मैम्ब्रेन की, तो क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं इस वजह से न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी होंगे। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है, और हेटरोट्रॉफिक में सेप्रोफाइट्स भी है और पैरासाइट्स भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करें प्रोटिस्टा ग्रुप की, तो प्रोटिस्टा के अंदर यूकैरियोट्स हो गए, कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कुछ में ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, दे आर मल्टी सेलुलर। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, ऑटोट्रॉफिक भी और हेटरोट्रॉफिक भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई भी यूकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करती है जिसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल बहुत स्पेशल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस की बनी होती है जिसका नाम होता है काइटिन। न्यूक्लियर मैम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जनरली मल्टी सेलुलर होता है, बट कुछ फंगस यूनिसेलुलर भी होती है जैसे यीस्ट, जिसका यूज बेकरी और बेवरेज इंडस्ट्री में करते हैं। हेटरोट्रॉफ्स होती है, डिपेंडेंट होती है किसी न किसी के ऊपर या फिर डेड एंड डीके मैटर के ऊपर। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। प्लांटे के मैं बात करूं तो प्लांटे यूकैरियोट्स होते हैं, सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, टिश्यू एंड ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एनिमल की मैं बात करूं, एनिमल यूकैरियोट से बिलोंग करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रेजेंट होगी, सेल वॉल एब्सेंट होती है, टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट होता है और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जिसमें होलोजोइक पैरासिटिक और सेप्रोफाइटिक होता है। होलोजोइक में कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस अंदर बॉडी में लिया जाता है, फिर उसका ब्रेकडाउन हो जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में, देन उसका फिर फर्दर होता है एब्जॉर्प्शन एंड देन एसिमिलेशन, और उसके बाद में फिर उसका इंजेशन यानी जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। ये होता है हेटरोट्रॉफिक मोड में भी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, अब नाउ हम लोग बात कर लेते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि इस फाइव किंगडम सिस्टम से ही रिलेटेड थे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। अभी अभी हम लोगों ने स्टूडेंट पढ़ा है कि जो मोनेरा ग्रुप के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट ही कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया। तो यहां से हम ये पता लगा सकते हैं कि ए स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, फिर भी हम लोगों को बाकी ऑप्शन पढ़नी चाहिए। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया, यस अभी हम लोगों ने पढ़ा है सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड ऑप्शन है प्रोटोस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हाँ दोनों ही फोटोसिंथेटिक भी होता है, हेटरोट्रॉफ्स भी होता है। अभी हमने पढ़ा प्रोटोस्टा में हम लोग क्लोरेला पढ़ते हैं, वो फोटोसिंथेटिक नेचर होती है, जबकि अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। सम फंजाई आर एडिबल, यस मशरूम अगर आपने खाई होगी तो मशरूम जो होती है स्टूडेंट वो एक तरह से इडिबल ही होती है और इडिबल फंगस होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया विच इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग फॉर द फंजाई, तो दे आर हेटरोट्रॉफिक, यस दे आर हेटरोट्रॉफिक, उनमें दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो लोग बेसिकली, एक तो सेप्रोफाइटिक शो करती है, एक शो करती है पैरासिटिक। दे आर यूकैरियोटिक, हाँ न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि हाँ दोनों ही टाइप की होती है बट जनरली अगर हम लोग बात करें तो मेनली मल्टी सेलुलर होती है। ऑल फंजाई पजेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं होती स्टूडेंट, उनमें जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है, ये अभी मैंने डिस्कस किया था। तो इसलिए यहाँ पे फंजाई से रिलेटेड रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया आपका डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए आपके, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है देन प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच।